हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजकुमार मीना, एमबीबीएस स्टूडेंट एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करें तो ये अपनी यूनिक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, यूनिक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, अपनी थायराइड ग्लैंड होती है, अपनी बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड जिसके ईच लोब होता है ना, वो अपने स्थमस के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो दोनों आपस में स्थमस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये अपना स्थमस, ठीक, स्थमस। इसके शेप के बारे में बात करें तो इसका शेप बटरफ्लाई शेप का होता है, तो ये बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप्ड। ठीक है, इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये अपने ट्रेकिया के साइड में प्रेजेंट होती है। लोकेशन तो कहाँ पर होती है, ईच लोब इज सिचुएटेड सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के साइड में, साइड ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ये तो हो गई अपनी थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल बातें। अब इसके एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये फाइब्रस कैप्सूल से कवर्ड होती है, तो कवर्ड बाई फाइब्रस कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, अपनी ये थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या मिलती है, फोलिकुलर सेल्स मिलती है, फोलिकुलर सेल्स। ये फोलिकुलर सेल्स होती है तीन टाइप की होती है, एक होती है अपनी हाईली एक्टिव फोलिकुलर सेल्स, एक होती है मॉडरेट एक्टिव फोलिकुलर सेल्स, और एक होती है इनएक्टिव फोलिकुलर सेल्स। जो अपनी हाईली एक्टिव फोलिकुलर सेल्स होती है ना, ये अपनी कोलुमिनर एपिथेलियम से लाइंड होती है इस टाइप में। ये हो गया अपना कोलुमिनर एपिथेलियम से लाइंड फोलिकुलर सेल्स, ये वाले। इसके सेंटर में यहाँ पे अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये क्या है, अपनी हाईली एक्टिव फोलिकुलर सेल्स, और एक होती है अपनी मॉडरेट एक्टिव फोलिकुलर सेल्स। जो अपनी मॉडरेट एक्टिव फोलिकुलर सेल्स होती है, अपनी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है इस टाइप। ये अपनी मॉडरेट एक्टिव फोलिकुलर सेल्स, ये सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और एक होती है अपनी इनएक्टिव फोलिकुलर सेल्स। जो अपनी इनएक्टिव फोलिकुलर सेल्स होती है ना, ये अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है इस टाइप में, ये अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ये कौन सी, अपनी हाईली एक्टिव फोलिकुलर सेल्स, हाईली एक्टिव, और ये है अपनी मॉडरेट एक्टिव, मॉडरेट एक्टिव, ठीक है, और ये है अपनी इनएक्टिव, इनएक्टिव फोलिकुलर सेल्स। जो अपनी हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, अपनी कोल्यूमर एपिथेलियम से लाइंड होती है, तो ये अपनी कोल्यूमर एपिथेलियम, और जो अपनी मॉडरेट एक्टिव होती है, अपनी कोलोइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, सॉरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, ठीक है। और जो अपनी इनएक्टिव फोलिकुलर सेल्स होती है ना, ये अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, ठीक है। और जो ये अपनी ये फोलिकुलर सेल्स है, ये फोलिकुलर सेल्स के बीच में जो ये ल्यूमेन भरी होती, ल्यूमेन है, इस यहाँ पर क्या होता है अपना कोलोइड होता है, अपना कोलोइड, ये कोलोइड है बीच में, ठीक है। ये कोलोइड क्या करता है, ये अपने हार्मोन को स्टोर करके रखता है, तो स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हार्मोन, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में हार्मोन को स्टोर करके रखता है, क्या, कोलोइड, क्वांटिटी, क्वांटिटी हार्मोन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, ये जो अपनी फोलिकुलर सेल्स होती है ना, अपने दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक अपना T3 और एक अपना T4, सिक्रेट टू हार्मोन, एक होती है अपनी T3 हार्मोन या अपना ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन, ट्राई आइडो थायरोनिन, और एक अपना T4 टेट्राइडो थायरोनिन,
टेट्रा एडो थायरोनियम, ठीक है। तो एक तो इसके अंदर फोलिकुलर सेल्स मिलती है और एक इसके अंदर पैरा फोलिकुलर सेल्स मिलती है, पैरा फोलिकुलर सेल्स। जो ये अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स होती है ना, ये अपने कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है। तो क्या कहते हैं, सिक्रेट कैल्सिटोनिन, कैल्सी टोनिन, ठीक है। और इसके अंदर अपने स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यूज तो होते ही हैं, स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात। अब अपन क्या करते हैं, अपनी हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होता है, तो इसके डायग्राम में देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, अपनी फोलिकुलर सेल्स होती हैं। ये अपनी फोलिकुलर सेल्स हो गई, ठीक है। तीन टाइप की फोलिकुलर सेल्स होती है, एक अपनी हाईली एक्टिव, एक अपनी मॉडरेट एक्टिव और एक इनएक्टिव। जो अपनी हाईली एक्टिव होती है, अपनी कोलुमनर एपिथेलियम से लाइंड होती है, तो ये वाली तो हो गई अपनी हाईली एक्टिव, ठीक है। और एक होती है अपनी कौन सी, मॉडरेट एक्टिव, जो कि अपनी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती है। ये अपनी हो गई मॉडरेट एक्टिव, ठीक है। सेंटर में अपन न्यूक्लियस मिलेगा। और एक होती है अपनी इनएक्टिव, जो कि अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है इस टाइप में, ठीक है। ये अपनी होगी इनएक्टिव। और फोलिकुलर सेल्स को ड्रॉ कर देते हैं अपन, ये अपनी फोलिकुलर सेल्स ही हैं, ठीक। अपन न्यूक्लियस, ये अपनी हो गई फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, इसके अंदर यहाँ पर अपना कनेक्टिव टिश्यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रोमा। ये हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रोमा, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसके अंदर पैरा फोलिकुलर सेल्स और होती हैं, ये अपनी यहाँ पे होती है अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स हो गई, जो अपनी थायराइड ग्लैंड होती है, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ क्या मिलती है अपन को, पैरा थायराइड ग्लैंड, ये पैरा थायराइड ग्लैंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये होगी अपनी पैरा थायराइड ग्लैंड, उसकी नेमिंग करता है। तो देखो ये तो है अपनी फोलिकुलर सेल्स, ये सारी की फोलिकुलर सेल्स है, है ना, फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। और इसके बीच में ये क्या है, कोलोइड है फोलिकुलर सेल्स के, कोलोइड। और ये वाली है अपनी पैरा थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या है अपना ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये क्या अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स, पैरा फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये पैरा फोलिकुलर सेल्स बोले अपनी सी सेल्स बोले, इन्हें सी सेल्स भी बोलते हैं, सी सेल्स। ये क्या करती है, अपनी कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करती है। और ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यूज, स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हो गई अपनी हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड।
तो ये तो अपना नॉर्मल सा डायग्राम अपने थायराइड ग्लैंड का हिस्टोलॉजी का, ठीक है। अगर अपन इसे माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ड्रॉ करें अपना थायराइड ग्लैंड का, तो वो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम इस टाइप में होता है। यहाँ पर अपना माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो अपने थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या अपनी फोलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फोलिकुलर सेल्स इस टाइप, यानी फोलिकुलर सेल्स हो गई, इस टाइप में ये फोलिकुलर सेल्स हो गई। इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, अपना कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे ये जैसे बीच में ये स्पेस दिख गया, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज है, और क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ये अपनी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। और जो अपनी फोलिकुलर सेल्स है, इसके बीच में ये क्या है, अपनी कोलोइड है जिसके अंदर अपना हार्मोन भरा हुआ है। और यहाँ पे क्या होती है, पैरा फोलिकुलर सेल्स होती हैं, इस टाइप में अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स हो गई, ठीक है। मैं नेमिंग करते हैं, तो ये क्या है, कोलोइड, कोलोइड ये है अपनी पैरा फोलिकुलर सेल्स, पैरा फोलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और ये क्या है अपना, ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्ट्रोमा भरा हुआ है, तो ये स्ट्रोमा एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया, तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये अपनी माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी थायराइड ग्लैंड के। अब एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपन, वो किसका, ये अपनी फोलिकुलर सेल्स है ना, इस फोलिकुलर सेल्स को बाहर निकाल के और इसे माइक्रोस्कोप पर देख रहे हैं, तो इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं अपनी फोलिकुलर सेल्स की, ठीक है। तो उसको अपन इसमें ड्रॉ करेंगे। तो जो अपनी फोलिकुलर सेल्स होती है, ये अपनी नॉर्मल सेल्स की तरह ही होती है। इसके अंदर वो अपनी माइक, जैसे कि नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है, अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और अपने जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब इसके अंदर मिलते हैं अपनी फोलिकुलर सेल्स के अंदर। तो फोलिकुलर सेल्स में ऊपर की तरफ क्या मिलते हैं, माइक्रोविलाई मिलते हैं, तो इस टाइप में ये माइक्रोविलाई, ठीक है, ये माइक्रोविलाई हो गए इस टाइप, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, सिक्रेटरी वैक्यूल होते हैं, इस टाइप में ये सिक्रेटरी वैक्यूल हो गए, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये हो गया अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये माइक्रोफाइबल, ये अपनी माइक्रोफिलामेंट्स, इस टाइप में ये माइक्रोफाइबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, अपने ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो ये ऊपर की तरफ क्या है, माइक्रोवलाई है ना, माइक्रोवलाई है अपनी माइक्रोवलाई, ठीक। और ये क्या है, सिक्रेटरी वैक्यूल, सिक्रेटरी वैक्यूल, ठीक है। ये है लाइसोसोम, सोसोम, और ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये है माइक्रोट्यूबुल या माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स,
माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक, और नीचे की तरफ ये क्या है, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम। ठीक, ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ फोलिकुलर सेल्स, फोलिकुलर सेल्स की हिस्टोलॉजी होगी, ये अपनी फोलिकुलर सेल्स की हो गई, और ये अपनी थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी। ठीक है, और ये अपनी थायराइड ग्लैंड की माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।